إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कतफा दफाऊदन अदीमा हर तरह की तारीफ उस अबमीन के लिए लाइक और जेबा है जो सारे जहाँ का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है रज़ है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अरस पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बादहू उसके तमाम नबियों और रसूलों पर सलाम नाजिल हूँ ख़ुसूसन आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगम्बर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाज्रेन हम ज़िलहिजा के महीने से गुज़र रहे हैं और आज जा की 28 तारी आठ तारीख़ है परसों इन सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए लोग अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे बहुत सारे लोग कुर्बानी के अहकाम मसाइल से नावाफ़ हैं इसलिए हर साल मुख्तलिफ़ की गलतियाँ करते हैं आज के जुमा के ख़ुत में कुर्बानी के अहकाम और मसाइल क्या हैं इस सिलसिले में इंशाअल्लाह श्ला होगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबार को ताल मुझे भी और आप तमाम हजरात को भी सुन्नत का सही तरीक़ा कुर्बानी का सही तरीक़ा मालूम करने की अमल करने की और दूसरों तक उसको पहुँचाने की तोफ़ी इनायत फरमाए कुर्बानी का नाम लेते ही हमारे जहन व दिमाग में हैरत इब्राहीम का और हज़रतमा सलाम का वो वाक़ सामने आ जाता है जिसकी यादगार में लोग कुर्बानियाँ पेश करते हैं। हैरत इब्राहीम अल्लाह के अजीम पैगम्बरों में से हैं उज़म पैगम्बरों में से हैं Allah तबारक ने इन्हें बहुत ऊंचा मकाम दिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खसूसियात क्या हैं उनके फ़जाइल क्या हैं इस पर तफसील से गुफ्तु दो जुमा पहले हो चुकी है इसलिए इब्राहीम के खसूसियात और फ़जाइल में जाए ब़ैर मैं आपको ये बता दूं कि ये कुर्बानी जो करते हैं ये भी हजत इब्राहीम और हजत इस्माइल इस्लाम की एक अज़ीम यादगार अल्लाह तबारक व ताली ने कुरान मजीद में फ़रमाया वज़ीब तला इब्राहीम, और बे कलीमातिन जब अल्लाह तबारक वाली ने इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को मुख्तलिफ कलिमत के ज़रिए से आजमाया उनको आजमाइश में मुबला किया फ़आम महन्ना हैरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम आजमाइशों में कामयाबी हासिल की और उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए काला इन्नी जाइलुका लन्ना से इमामा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि किए इब्राहीम अब हम तुमको लोगों का इमाम बनाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत सारे मसाइल आए इब्राहिम की पूरी ज़िंदगी मसाइल से घिरी हुई है लेकिन उन तमाम पर रोशनी डाले बगैर आज के खतबे में सिर्फ कुर्बानी का तस्करा होगा इनशाला है तो इब्राहीम सलात ने खाब में देखा कि अपने बेटे इस्माइल को जबह कर रहे हैं इब्राहीम ने ये ख्वाब अपने बेटे से ज़िक्र किया काल या बुनैया इन्नी आरा फिल्मना में अन्यजबाहू का फंजुर माजा थरा कहा मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको जबह कर रहा हूं तुम्हारी क्या राय है अम्बिया जो ख्वाब देखते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही हुआ करता है हम जो ख्वाब देखते हैं वो कभी सही होता है कभी गलत होता है लेकिन अम्बिया जो ख्वाब देखते हैं वो मुकम्मल तौर पर सौ फीसद सही और दुरुस्त होता हैत है इब्राहिम इस्लाम ने ख्वाब देखा बेटे से ज़िक्र किया बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको ज़बिर कर रहा हूँ तुम्हारी क्या राय है काला, या अब तफ़ा तुमर सतिदिन इनशाला मिनरिन तो बेटे ने कहा है अब जान जो आपको हुक्म हुआ है वो आप कीजिए इनशा आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे फिधर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है किताब ज़िंदगी का एक निराला बाप देखा है ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़बिर करता हूँ खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ मंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर जमी व आसमां हैरान थे इस गुजारी पर ना इससे पहले ऐसा कोई वाक़ पेश आया है और न उसके बाद कोई वाक़ पेश आया कि एक सगा बाप अपने सगे बेटे को जबा करे कुर्बानी का मफूम हमने बहुत आसान समझ लिया अगर हमसे या आपसे कोई कहे कि आप अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर दीजिए हमारी क्या हालत होगी या अगर हम तैयार भी हो गए तो हमारी औलाद की क्या हालत होगी तस्वुर करें जानवर लाना ज़बह कर लेना बहुत आसान लेकिन उस वाक़े के तनाजुर में जाना और उस वाक़े के तनाजुर में सोचना ये कुर्बानी का असल रूह है ये कुर्बानी का असल मफहूम है बाप बेटे दोनों तैयार हो गए बाप वबह करने के लिए तैयार है बेटा ज़बह होने के लिए तैयार है और मीना की वादी में गए बेटे को लेटा दिया गया छुरी गले पर रख दी गई अल्लाह तबार ने आवाज़ लगाई इब्राहिम बस बस हम तुम्हारे बेटे को नहीं चाहते हैं हम तुम्हें आजमाना चाहते थे कि कहीं बेटे की मोहब्बत में मेरी मोहब्बत कम तो नहीं हो गई है कहीं बेटे की मोहब्बत रब की मोहब्बत पर गालिब तो नहीं हो गई है इब्राहिम तूने ये करके बता दिया कि अय रब मैं तेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ अपने आप को भी कुर्बान किया अपने बेटे को भी कुर्बान किया अल्लाह तबारक तआला ने जब यह मंजर देखा तो कहा इब्राहिम, बस बस कद सद्तर रुया तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा हैब्राहीम तो ने इस्माइल के बदले में उस दुम्बे को ज़बह किया अल्लाह ने फरमाया कि ये इब्राहिम ये तुम्हारी एक अजीम कारकर्दगी है जिसको हम आते व वा, आने वाले वक्तों में और आने वाली नस्लों तक क़यामत तक इसको बाकी रखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह चार हज़ार साल से ये कुर्बानी का सिलसिला मुसलसल चल रहा है रुकावटें आती हैं मुश्किल आते हैं लेकिन ये सब आर्जी हुआ करते हैं और क़ुरबानियाँ लोग दे रहे हैं देंगे और देते रहेंगे इन तो ये कुर्बानी का वो पस मंज़र है जिसे आम तौर पर लोग बहुत ही आसानी के साथ लेते हैं हमें चाहिए कि इसमें गहराई के साथ जा कर के सोचें कुर्बानी का असल मफहम क्या है और ये जो कुर्बानियां हम अदा कर रहे हैं और दे रहे हैं इसका मकसद क्या है आम तौर पर जब कुर्बानी का मसला आता है तो लोग कहते हैं कि यह इब्राहीम की सुन्नत है जहन में ये बात आते ही कि यह इब्राहिम की सुन्नत है लोग उसकी अहमियत को कम कर देते हैं मैं आपको ये बता दूं कि ये इब्राहीम ही कि नहीं हमारे नबी की भी सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को जिंदा रखा है अल्लाह के नबी सल्लाम के बारे में हज़रत अब्दुल्ल इबिन उमर रजील् तैन कहते हैं कानन नबीम़ ही बेकबशाइन अल्लाह के नबी सल दो, दो मेढे हर साल करते थे आना उज़ह ही बेकबशाइन और मैं भी दो मेढे वबह करता हूँ यह न सिबन मालिक रजी अल्लाह तवायत है अब्दुल्ल अबन उमर रजील् तुम कहते हैं कि अल्लाह के नबीसम ने दस साल तक मदीने में कयाम किया अकाम रसोल्ह अशरा सुन अल्लाह के नबी वसल्लम ने दस साल तक मदीने में कयाम किया और हर साल अल्लाह के नबी कुर्बानी देते रहे मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत मक्दा है सन्नत है। हैदा और मुतबातरा किसे कहते हैं मददा उस सुन्नत को कहा जाता है जिस पर अल्लाह के नबी ने ताक़द की हो करना ही है मुतवातिरा किसे कहते हैं उस सुन्नत को कहते हैं जो तवातुर के साथ हमारे नबी ने खुद किया है। तो ये कुर्बानी सुन्नत मददा है सुन्नत मुतवातिरा है अल्लाह के नबी वसल्लम ने दस साल तक कुर्बानी की है और आपने अपनी उम्मत को भी कुर्बानी करने का हुक्म दिया है जैसा कि हजरत अनस की रवायत मैंने आपके सामने पेश की का ना रसोल्ला युज़ाही बेकाबस वाना आना ही बेका इस रवायत को लिखने के बाद रवायत को नकल करने के बाद मुहदसिन ने लिखा है कि आदमी को अगर उसात और ताकत है तो एक से ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी चाहिए आज बहुत सारे लोग जब कुर्बानी का मसला आता है तमाम वसाहतों के बावजूद बहाना बना करके कहते हैं ये साल कुर्बानी की पोजीशन नहीं है आप सोचें कि हमारे नबी नबीसम की माशी जिंदगी कैसी थी शाम को खाते थे तो सुबह का इंतजाम नहीं सुबह को खाते थे तो शाम का इंतजाम नहीं कई कई दिनों तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था लेकिन इसके बावजूद भी अनासिबन मालिक रजी अल्लाह तैनों का ये कहना कि हर साल अल्लाह के रसूल दो कुर्बानी देते थे मालूम ये हुआ कि आदमी को कोशिश करनी चाहिए अगर आदमी ये सोच लिया कि हमारी ताकत नहीं है तो वो नहीं कर सकता है और आदमी ये सोच लिया कि मुझे करना है नबी की सुन्नत पर अमल करना है इरादा करना हमारा काम है रास्ते निकालना अल्लाह का काम है हम जानते हैं लाख मुखालिफतों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुर्बानियां हो रही हैं लोग कर रहे हैं और मैं आपको यह भी बता दूं कि इंसान अपनी वसात के मुताबिक कुर्बानी करेगा अगर वो सोच लेता है कि मेरे पास पैसे कम हैं कम जानवर की कुर्बानी अल्लाह ताला उसके लिए उस जानवर का इंतजाम करता है हमें इरादे में पुख्तगी होनी चाहिए मिलेगा तो कर लेंगे नहीं तो कोई बात नहीं है पैसे आएगा तो कर लेंगे नहीं तो कोई बात नहीं है ये इरादों में कमजोरी अल्लाह को पसंद नहीं है इरादे मजबूत होने चाहिए मोमिन के इरादे हमेशा मजबूत हुआ करते हैं किसी भी मामले में मजबूत इरादों के साथ जिंदगी गुजारो अल्लाह रास्ता निकालेगा अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानियां की सहाबे कराम ने कुर्बानियां की आपने فرمایا, आपने فرمایا, के नबीसलम ने कुर्बानी करने का हुक्म भी दिया आपने फरमाया आपने फरमाया अहल बेतिनफी कुल आमिन उत हर घर के ऊपर एक कुर्बानी हर साल जरूरी है यहां यह मसला भी मालूम हो गया कि जो लोग कहते हैं कि हर एक के नाम पर कुर्बानी है यह गलत है अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया हर घर के ऊपर हर साल एक कुर्बानी है घर किसे कहते हैं हमारी जॉइंट फैमिली जो एक साथ खाना पकाते हैं खाते हैं रहते हैं एक ही चूल्हा है वो कभी दो होते हैं कभी दस होते हैं और कभी पचास भी हो सकते हैं अल्लाह तबारक तआला ने हमारे लिए ये आसानी पैदा की है कि एक ज्वाइंट फैमिली जो एक साथ रहती है एक साथ खाती पीती है अगर वो एक जानवर को कुर्बान कर दें तो काफी है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जानवर ज़बह करके उम्मत को यह पैगाम दिया है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो आप एक से जायद भी कराए यही नहीं बल्कि हजतल के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौ ऊंट की कुर्बानी दी तिरसठ ऊंट को अपने हाथ से नहार किया और बाकी ऊंट को हजरत अली रजी अल्लाह तु ने नहार किया अल्लाह ने आपको दिया है आप दो करें दस करें सौ करें उससे भी ज़्यादा करें कोई हरज नहीं है लेकिन इस अक़ीदे के साथ कि हर फर्द की तरफ से एक कुरबानी ज़रूरी है यह अक़ीदा गलत है मसला कुर्बानी के जानवर की कसरत और किल्लत का नहीं है मसला अकीदे की असलाह का है अकीदा दुरुस्त करो एक घर के ऊपर एक कुर्बानी काफ़ी है आप देना चाहते हैं दस दें सौ दें कोई हरज नहीं है लेकिन यह अकीदा रखना कि घर के हर फर्द की तरफ से कुर्बानी जरूरी है यह अकीदा गलत है जैसा कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने इस हदीस से वाजे फ़रमाया आपने कुर्बानी की मज़ीद ताक़द फरमाई कि अगर कोई शख्स कुर्बानी की ताकत रखता है तो उसको कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए आपने फरमाया मन वजदातन ले आई युज़िया अगर कोई शख्स इस बात की ताकत रखता है कि वो कुर्बानी कर सकता है फलम युज ही और उसने कुर्बानी नहीं की फला यहुरसल्ला ना तो हमारी ईदगाह के करीब ना आए कितनी सख्ती के साथ हमारे न भी कहा कुर्बानी की ताक़त है कुर्बानी कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं किया तो वो हमारी ईदगाह ना आए मालूम ये हुआ कि उसात के बावजूद अगर कुर्बानी कोई नहीं करता है तो वो गुनहगार है एक अजीम सुन्नत को छोड़ रहा है इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में फ़रमाया कि वह हमारे मसल के करीब न आए तो इब्राहीम ने भी किया अल्लाह के नबीम ने भी किया असलाफ उम्मत ने भी किया साहब कराम ने भी किया और अल्लाह ने हुक्म भी दिया है अल्लाह ने फरमाया न आतई ना कल कौसर सर फसल ली ले रबी का वन हर आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बानी करने फसल ली ले रबी का आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए वन हर और कुर्बानी कीजिए और कुर्बानी का तस्वर ये जब से है आदम को अल्लाह ने पैदा किया उस वक्त से लेकर के आज तक है और क्यामत तक रहेगा आदमी सराम के दो बेटों की कुर्बानियों का तस्करा अल्लाह ने तुरान मजीद में किया हबील और काबिल इन दोनों ने कुर्बानियां पेश की अल्लाह तला ने एक की कुरबानी कबूल की दूसरे की नहीं की मालूम यह हुआ कि यह कुर्बानियाँ अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने के लिए अल्लाह से करीब होने के लिए इंसान कुर्बानियां करता है इस इस वाके की रोशनी में यह बात भी हमारे समझ में आती है कि अल्लाह से कुर्बत का जो जरिया अपनाया जाए वो तमाम कुर्बानियों के हुक्म में आता अपने नफ्स की कुर्बानी अपने जज्बात और एहसास की कुर्बानी अपने मालो मता की कुर्बानी यहाँ तक कि कभी कभार अपने अयजा और अकरबा की कुर्बानी अपने वतन की कुर्बानी इंसान को ये सब अल्लाह के लिए कुर्बान करना पड़ता और यही असल कुर्बानी की रूह है कि अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया जाए जैसा जैसा अल्लाह का हुक्म हो अपने ईमान की बचाने के लिए ईमान की बका के लिए ईमान को महफूज रखने के लिए आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी ये ईमान की हिफाजत करना यह असल है यह असल कुर्बानियां चुनानची अल्लाह तबारक तआला ने आदम सलाम के दो बेटों की कुर्बानियों का तस्करा किया लेकिन जो कुर्बानी का तस्वूर है जो रस्मी कुर्बानी हम देते हैं उसमें चंद जानवर हैं उन्हीं जानवरों की कुरबानियाँ दी जाती हैं पुरानी मजीद में अल्लाह तुन को बही मतुलाना आम कहा है बही मतल मुफसरन ने लिखा है कि बही चार किस्म के जानवर हैं चार नस्ल के उन्हीं की कुरबानियाँ जायज़ हैं और अल्लाह के नबी नबीम ने उन्हीं की कुर्बानी की है साहब कराम ने उन्हीं की कुर्बानी की है असलाफ़ ने उन्हीं की कुर्बानी की है अल्लाह के नबी और आपके सहाबा से इन चार नस्ल की कुर्बानियों के अलावा किसी पांचवें नस्ल की कुर्बानी का सबूत नहीं है वो मैं आपको बता दूं ऊंट ऊंट और ऊंटनी ये दोनों की कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया अभी मैंने जिक्र किया सौ ऊंट आपने कुर्बान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऊंट की कुर्बानी का सबूत मौजूद है आप वसल्लम के सहाबा ने भी ऊंट की कुर्बानी की तो ऊंट और ऊंटनी इसी तरीके से बैल बैल की कुर्बानी अल्लाह के नबी वसल्लम ने किया आपके साहबा ने किया अल्लाह के नबी और आपके साहबा से ये बात साबित है बकरा और बकरी इसकी कुर्बानी हमारे नबी ने दिया आपके सहाबा ने दिया दुम्बा भेड़, नर और मादा तो ये चार नस्ल के जानवर हैं ऊंट बैल बकरा और दुम्बा इन दोनों के दोनों को मिलाएं नर और मादा को तो कितने होते हैं आठ ये आठ किस्म के जानवर की कुर्बानी हमारे नबी ने दी है आपके सहाबा ने दी है इसलिए इन्हीं आठों जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है अगर कोई नौवें जानवर की कुर्बानी करता है तो उसका सबूत साहबा से आपके आप वसल्लम की जिंदगी से नहीं मिलता अब मैं आपको ये बात बताते चलूं बास लोगों ने दूसरे जानवरों को दूसरे जानवरों पर कयास किया इन आठ जानवर के अलावा अगर नौवें जानवर की कुर्बानी करते हैं तो कयास की बुनियाद पर होगा और हमारे नबी वसल्लम की हदीस होते हुए अल्लाह का हुक्म होते हुए नस होते हुए कयास दुरुस्त नहीं है हम अहले हदीस हैं हमें हदीसों पर अमल करना है जहां नस मौजूद हो कुरान की आयत हो नबी की हदीस हो वहां कयास की कोई ज़रूरत नहीं है या तो कोई आदमी मजबूरी में करेगा कयास और मजबूरी इन दोनों की बुनियाद पर नौवें और दसवें जानवर की कुर्बानी होती है तो नबी की सुन्नत के होते हुए ना कयास की जरूरत है और ना मजबूरी की हाँ ये आठ जानवर जिनका मैंने जिक्र किया है इन्हीं की कुर्बानी दुरुस्त है लेकिन आठों जानवरों में आपको यह अख्तियार दिया गया है जो जानवर आसानी के साथ मिल जाए और जिस जानवर की कुर्बानी करने में तुम्हें कोई परेशानी ना हो उसी जानवर की कुर्बानी करो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये आठों किस्म के जानवर लोग कुर्बान करते थे आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हालात तो ऐसे नहीं हैं फ़िलहाल हालात तो ऐसे नहीं हैं हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात फिर बदलेंगे फिर अच्छा वक्त आएगा इसलिए ऐसे वक्त में किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जो आपके लिए आपके ख़ानदान के लिए और मिल्लत के लिए बल्कि उससे बढ़कर इस्लाम के लिए अगर बदनामी का सबब बनता है मुसीबत और परेशानी का सबब बनता है तो ऐसे मौका पर ऐसे जानवर की कुर्बानी करने से परहेज़ करना चाहिए इसलिए कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है आप बकरे की कुर्बानी करें आप छेले की कुर्बानी करें दुम्बे की कुर्बानी करें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इसलिए अपने आप को मुसीबतों में डालने से बचाएं ये हमत की बात है मसलहत की बात है और नबी वसल्लम का हुक्म भी इस सिलसिले में मौजूद है खाम ज़िद करना अपने आप को और पूरी कौम को परेशानियों में डालना यह हमत और अकलमंदी नहीं है ये बेवकूफ़ी है हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए तो वो जानवर जिनकी कुर्बानी सही और दुरुस्त है मैंने जिक्र किया कि वो आठ किस्म के जानवर हैं चार नस्ल के नर और मादा ये आठ किस्म के जानवर हैं इन्हीं जानवरों की कुर्बानी सही और दुरुस्त है कुर्बानी का जानवर बे होना चाहिए अल्लाह तला को आयददार जानवर पसंद नहीं है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया अरबाउल्ला तजुज फिलाजाही चार किस्म के जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है आपने फरमाया सबसे पहली बात अल-आउराह अलाउराओ बन और वो जानवर जिसके आँख में कोई बीमारी हो वो काना हो अंधा हो या भेंगा देखता हो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए उसकी आँख को जरूर देख लें वल मरीज़ वलमरीज तु बन मरजुहा ऐसा जानवर जो बीमार हो और उसकी बीमारी जाहिर हो गई है कि ये बीमार है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है कुर्बानी का जानवर देखते हुए इन बातों का ख्याल करें नंबर तीन अलोहा वो जानवर जो लंगड़ाता हो जिसके पैर में लंगड़ाहट हो और उसकी लंगड़ापन ज़ाहिर हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है नंबर चार आप ने फरमा वल लती ला तुनकी ऐसा जानवर जो बिल्कुल दुबला पतला है जिसमें गोश्त नहीं है हड्डियों का ढांचा है उसकी हड्डी और चमड़े के बीच में गुदा ही नहीं है जैसा हड्डियों का ढांचा जानवर रहता है बहुत सारे लोग ज़बा कर देते हैं नहीं ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं ये चार किस्म के जानवर हैं अगर इनके अंदर ये चार आए पाए गए तो इनकी कुर्बानी सही और दुरुस्त नहीं होगी इसी तरीके से वो जानवर जिसका कान काट दिया गया हो या कान को चीर दिया गया हो ये ऐप है ऐसे जानवर की भी कुर्बानी सही नहीं है हाँ जानवर को निशान ज़दा बनाने के लिए एक एक सुराख डाला जाता है उसके अंदर टैग डाला जाता है ऐसे जानवर की कुर्बानी सही और दुरुस्त है वो ऐप नहीं है इसी तरीके से वह जानवर जिसका सीन टूट गया हो टूटा हुआ एक ऐसा जानवर जिसके पास सींग ही नहीं है उसकी कुर्बानी जायज है लेकिन सींग थी और टूट गई तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है तो चार और दो छः छः छह जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है आपको ये बात बता चलो आपने जानवर खरीद लिया ये छः में से कोई आय उसके अंदर नहीं था आप जानवर खरीद कर अपने घर ले आए बाद में कोई ऐब जाहिर हो गया उसकी आंख में चोट लग गई उसकी सींग टूट गई उसका कान कट गया या इसी तरीके से और कोई बीमारी आ गई तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है क्योंकि आपने जब खरीदा था तो वो बेआब था लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो बदल देना बेहतर है अगर नहीं वक्त है तो उस जानवर की कुर्बानी करने में भी कोई हरज नहीं है इसी तरीके से कुर्बानी का जानवर दांता होना जरूरी है दांता किसे कहते हैं दो पहले के दांत होते हैं जो बारीक होते हैं जानवर के सामने के वो दांत जब गिर जाते हैं तो दूसरे जो दांत आते हैं वो चौड़े होते हैं तो वो दांत जो पहले के दांत बारीक दांत गिर गए हों चौड़े दांत आ गए हों उन्हीं जानवरों की कुर्बानी देनी है आज बहुत सारे लोग एक साल का हो गया बहुत मोटा है बहुत तगड़ा है बहुत गोश्त है मोटा तगड़ा गोश्त ये अपनी जगह पर लेकिन दांता नहीं है अगर दांता नहीं है तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है जानवर का दांता होना जरूरी है कुर्बानी का वक्त क्या है कुर्बानी का वक्त नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है ईद की नमाज ईद की नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है दस दिलहिजा को ग्यारह बारह तेरह की शाम तक रात और दिन में कभी भी आप कुर्बानी कर सकते हैं रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं दिन में भी कुर्बानी कर सकते हैं दस ग्यारह बारह तेरह की शाम तक इन दिनों में इन अयाम में आप कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं एक सहाबी ने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के निकले तो कुर्बानी के गो, आपने गोश्त देखा कहा ये क्या है तो एक सहाबी ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल आज खाने पीने का दिन है मैं मैंने सुबह उठते ही अपना जानवर ज़बा किया ताकि मैं जल्द से जल्द खाना तैयार कर लूँ अल्लाह के नबी ने फरमाया ये गोश्त जो तुम्हारा है ये जायज़ है ये हलाल है लेकिन कुर्बानी का स्वबा तुमको नहीं मिलेगा बास लोग क्या करते हैं रात में यानी ईद की नमाज से पहले रात में ही कुर्बानी कर देते हैं सही नहीं है जो लोग भी ऐसा करते हैं वो सुन लें उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी और जो लोग दूसरों का हिस्सा लेके करते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो वो समझ लें कि वो लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं एक तो कुर्बानी भी नहीं हुई और दूसरे आपने धोखा भी दिया हमारे नबी ने फरमाया मन गशना फलई स जिसने धोखा दिया वो मेरी उम्मत में से नहीं है तो हमें कुर्बानी भी वक्त पर करनी चाहिए और लोगों को धोखा भी नहीं देना चाहिए ज़बह करने का तरीक़ा क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह के लिए दो तरीक़े बताए ऊंट को नहर किया जाता है ऊँट का एक पैर बांध दिया जाता है तीन पैर पर ऊँट खड़ा रहता है एक पैर बांध दिया जाता है और उसके नल्ले पर एक धार धार से मारा जाता है उसका खून गिर जाता है इसको नहर कहा जाता है फ़सल ले ल का व नहर ये ये तरीका सही है उसके बाद जब ऊँट गिर जाता है उसका खून गिर जाता है उसको ज़बहर कर देते हैं एक तरीका ये छोटे जानवरों की कुर्बानी के लिए अल्लाह के नबी वसल्लम का तरीक़ा ये था कि आप उनको किबला रुख लेटाते थे और आप अपने बाएं हाथ से उसके जबड़े को पकड़ते थे दाहिने पैर को उसकी गर्दन पर रखते थे और दाहिने हाथ से आप छुरी करते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर उसका गला काटते थे ये है ज़बह करने का तरीका इसी तरीक़े के मुताबिक जबह करना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इस सिलसिले में फरमाई हैं एक बात ये कि किसी जानवर को किसी जानवर के सामने जबह ना किया जाए ये गलतियां आम तौर पर लोग करते हैं एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जबह करना ग़लत है हमारे नबी ने इससे मना किया है और दूसरी गलती क्या करते हैं जानवर के सामने छुरी तेज़ करते हैं अल्लाह के नबीसम ने एक सहाबी को देखा कि एक हाथ में बकरी को पकड़े हुए है और एक हाथ से छुरी तेज कर रहा है आपने फरमाया तुमने इसको दो मौत दी कहा अल्लाह के दो मौत कैसे कहा उसके सामने छुरी तेज कर रहे हो वो तो मरने से पहले मर गई किसी जानवर के सामने छुरी तेज करना किसी जानवर के सामने दूसरे जानवर को जबह करना सही नहीं है अल्लाह के नबी सर ने फरमाया जबह के वक्त छुरी तेज़ होनी चाहिए मुर्दार छुरी लेकर के ज़्यादा देर तक रेतना यह सही नहीं है अल्लाह के नबी सर ने तेज़ धार तेज़ धार दार छुरी से ज़बह करो ताकि जबह करने में भी आसानी हो आपने फरमाया कि जबह में भी आसानी का मामला अपनाया जाए कुर्बानी के दुआओं के ताल्लुक से हर साल लोगों को अंदर अजीब किस्म के शकूक व शुभहात पैदा होते हैं मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कुर्बानी की बहुत सारी दुआएं हैं एक तो दुआ जो बहुत मशहूर है आम तौर पर लोग वही दुआ रटते हैं इन्नी वजहत वजहिया लदी फ़तर समात वल हनीफ़ वमाना मिनलमशरक़िन इन्ना सलाती व नुस्ख़ी व महजाया व ममाति लाही रबाल आलमिन अल्ला तकबल मनी व मना हलबी बिस्मिन जायज़ है एक दुआ तो ये लंबी है जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको याद है कोई बात नहीं लेकिन जिनको नहीं याद है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला अकबर अल्लाकबल मिन्नी वह मिनाहले बई थी इतना काफी है उससे भी आसान अल्लाह uh? दी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फल यजबह बस्मिल्ला उसको चाहिए कि बिस्मिल्लाह कह के ज़बा करे बिस्मिल्ला अकबर कह के आपने जबह कर दिया बस आपकी कुर्बानी हो गई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला अकबर पढ़ना ही दुआ है लेकिन हम लोग अपने आप को मुसीबतों में डालते हैं तो बहुत सारी दुआएं हैं आसानी के साथ जो पढ़ लें हो जाएगा अपने आप को मुसीबतों में डालना दुरुस्त नहीं है बहुत सारी दुआएं हैं दुआ, कोई बड़ा आदमी है पढ़ा लिखा है उसको बड़ी दुआ याद है पढ़ लें उसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन वही दुआ पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है कुर्बानी का गोश्त उसकी खाल इसका क्या हुक्म है आमतौर पर लोगबानी के गोश्त के तीन हिस्से करते हैं यह अपनी सहूलत के लिए करते हैं नबी का इससे कोई सबूत नहीं है तीन हिस्सों में एक हिस्सा खुद खाते हैं एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए एक हिस्सा गुरबा और मसाकिन के। जायज़ है वलमा ने कहा है दुरुस्त है कर सकते हैं लेकिन इसको सुन्नत समझना सही नहीं है क्यों इसलिए कि सुन्नत से तीन हिस्से करना साबित नहीं है एक साल साहब के नाम ने क़ुरबानियाँ की तो अल्लाह के नबी फरमाया तीन दिन के बाद किसी के घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं होना चाहिए साहब कलाम ने तीन दिन में अपने कुर्बानी के गोश्त खत्म कर दिए ग़रीबों को बांट दिया बाहर से गरीब लोग आ गए थे दूसरे साल फिर साहबा ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल ये साल कुर्बानी के गोश्त का क्या हुक्म है तो कहा खाओ खिलाओ और चाहिए तो उसको स्टॉक भी कर लो बाद में भी खा सकते हो तो कहा अल्लाह के रसूल पिछले साल आपने ऐसा हुक्म दिया था ये साल ऐसा कहा पिछले साल गुरबा और मसाकिन ज़्यादा आ गई थी इसलिए मैंने यह हुक्म दिया था अब वो माहौल नहीं है अब उसकी ज़रूरत नहीं है अल्लाह ने कुशादा कर दिया है अब आप चाहें तो खाएं पिए स्टाक कर लें इसमें कोई हरज नहीं है दूसरों के हकूक़ के अदा करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को स्टाक करना फ्रिज में रखना कोई हरज नहीं है इसी तरीके से उसके खाल के मुताल खाल अगर हम खुद अपना टोपी वगैरह जर्किन वगैरह बनाना चाहते हैं बना सकते हैं कोई हर्ज नहीं है लेकिन बेच करके उसकी कीमत खाना सही नहीं है ये गरीबों का हक़ हाँ है हम खुद इस्तेमाल के लिए मुसल्ला बना लें मशीज़ा बना लें टोपी बना लें कोई हर्ज नहीं लेकिन बेच करके उसकी कीमत खाना ये सही नहीं है खाल कीमत गरीबों के लिए है इसी तरीके से कस्साब बहुत सारे लोग खुद जबा नहीं कर सकते हैं खाल नहीं उतार सकते हैं बोटी नहीं कतर सकते हैं इसलिए जबा करने के लिए कस्साब रखते हैं कस्साब को उजरत के तौर पर चमड़े देना सही नहीं है जैसा बहुत सारे लोग करते हैं नहीं सही है आप उनको अलग से कीमत दें ये वो चमड़े के जो खाल है वो चमड़ा है उसका उसका हकदार कौन है गरीब और मिसकिन लोग हैं उजरत के तौर पर चमड़ा देना या गोश्त देना सही नहीं है आखिरी बात इस सिलसिले में कुर्बानी के अंदर इखलास पैदा करें रियाकारी दिखावा ये दुरुस्त नहीं है आज हमारे ऊपर जो बहुत सारी मुसीबतें आई रही हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम रियाकारी बहुत करते हैं हम दिखाते बहुत हैं दोस्तों में बैठ करके के हमारा जानवर इतने का है तुम्हारा जानवर इतने का बड़ा तगड़ा है घुमाते हैं बच्चे परेशानियात इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए नहींना अल्लाह लुहम वला दिमा हुआ वला कीना मिनकुम अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा गोश्त तुम्हारी कुर्बानी का उसका खून अल्लाह के पास नहीं जाता वाला कीना लोहो तकवा मिनकुम तुम्हारे दिल में जो तकवा है वो अल्लाह के पास जाता है अरे खून तो ज़मीन पर बह जाता है गोश्त तो हम खुद खा लेते हैं जानवर कैसा भी हो अल्लाह के पास जाता है उसका तकवा वो दिल हमारा हमारा इखलास क्या है इसी तरीके से मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले बताई आदमी इस्लाम के दो बेटों ने कुर्बानियाँ दी एक की कबूल हुई दूसरे की कबूल नहीं हुई दूसरे के मुतालिक अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल करता है तकबा होना चाहिए जब तक हमारे दिलों में तकबा नहीं होगा हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी इसलिए इखलास के साथ अमल करें कुर्बानी इबादत है इबादत में इखलास शर्त है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स कितना भी बड़ा अमल कर ले अगर उसके दिल में इखलास नहीं है अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं करता है चाहे वो बैतुल्ला के सहन में खड़े होकर दुआ करे बताइए बैतुल्ला के सहन में खड़े होकर के हालत हराम में दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल नहीं करता है कहता है मतमू का हराम वो मशरबू का हराम वो मलबसु का हराम तू हराम खाया हराम पिया हराम पहना तेरी दुआ कैसे कबूल होगी इखलास होना चाहिए उमा उमिर मुखलसन अलहुद्दीन अल्लाह ताला ने कहा हमने उनको इस बात का हुक्म दिया है कि वो अल्लाह की इबादत करे इखलास के साथ कुर्बानी के दिन ईद के दिन सुन्नतों का ख्याल रखना चाहिए फित्र में और ईद अज में थोड़ा सा फ़र्क है फित्र में अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि ईद की नमाज को निकलने से पहले आप कुछ खा ले पी लें खजूर वगैरह लेकिन ईद अजहा की नमाज के लिए नहीं कुछ खाना पीना नहीं है बगैर खाए पिए ईद की तरफ निकल ये फर्क है ईद के दिन सवेरे उठना फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना गसल करना अल्लाह ने जो भी ताकत दी है अच्छे कपड़े पहनना खुशबू लगाना बीवी बच्चों के साथ निकलना सुन्नत है कि मैदान में ईद की नमाज पढ़ी जाए अगर बारिश की वजह से या मैदान ना होने की वजह से कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है जायज़ और दुरुस्त है लेकिन मैदान होते हुए सहूलत होते हुए मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना सही और दुरुस्त नहीं है मैदान नहीं है बारिश हो रही है मजबूरी है आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं इसमें कोई हरज नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ईदगाह को जाते वक्त ईद को जाते वक्त आप तकबीरात बुलंद करें अल्लाह अकबर अल्लाकबर ला 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 अकबर अल्लाहु अकबर वल्लाम वापस आए तकबीर पढ़ते हुए आए अल्लाह अकबर अकबर ला लाह व्लाकबर अल्लाकबर वल ला हमारे नबी ने यह भी हुक्म दिया जाएँ तो दूसरे रास्ते से जाएँ आए तो दूसरे रास्ते से आए ताकि हर गली में हर रास्ते में अल्लाह के नाम की चिरियाई बयान हो सके अल्लाह अकबर अकबर ला लाला अकबर अल्लाकबर वल्लम यह है हमारी शान हमारी ईद भी तज़ोम के साथ होती है अल्लाह की तकबीर बयान करते हुए अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं औरतों को लाएँ बच्चों को लाएँ ये नबी का हुक्म है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तला हमारी आने वाली इस ईद को हम सब के लिए खैर बरकत का ज़रिया बनाए हमारे मुल्क के लिए हमारी रियासत के लिए खैर सगाली का जरिया बनाए जो मुश्किल हैं जो परेशानियाँ हैं अल्लाह उन मुश्किल और परेशानियों को दूर फ़रमाए अल्लाह तबारक व हम सब के जान माल की और इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताली जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रबना तकब्बल मन्ना इन का अंत समी उलिम वतुबलैना इन का अंत तो रहीम बेरहमति का या अरहमर राहम नाम